हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ज्ञान प्लस। इस वीडियो में हम आपको SSC CPO SI भर्ती 2023 के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि ये दिल्ली पुलिस का भाग होता है, जिसे दिल्ली पुलिस SI की भर्ती कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक पढ़ रहे हैं। इसका आवेदन 20 जुलाई से प्रारंभ कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बड़ी खबर होगी, क्योंकि ये अभी तक किसी को ज़्यादा पता नहीं है, ये 20 जुलाई से आवेदन प्रारंभ होने जा रहा है। हाँ, अक्टूबर में इसकी परीक्षा होने वाली है। जी, पहले ही सप्ताह में आपके अक्टूबर में इसकी परीक्षा होगी। भर्ती से और भी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हम आपके सामने साझा करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम इस वीडियो में इसका क्या वेतनमान है, जो कि विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी दुविधा वाली बात होती है और बड़ी उत्सुकता वाली बात भी होती है कि इसका वेतन कितना रहेगा। तो चलिए हम आपको क्लियर कर देते हैं। सब इंस्पेक्टर GD इन CAPF, जो कि इसकी वैकेंसी है, जो कि लेवल सिक्स का है, तो इसका वेतनमान 35,400 रुपये से लेके 1,12,400 तक हो सकता है, जो ग्रुप बी की होगी, नॉन गैजेट। वहीं सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल या फीमेल के लिए दिल्ली पुलिस जो है वो 35,400 रुपये से लेके 1,12,400 रुपये तक हो सकता है। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर योग्यता की बात की जाए तो इसमें सिटीजन्स ऑफ इंडिया या नेपाल के या भूटान के भी आप हो सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने। एज लिमिट में देखा जाए तो एज लिमिट इसकी 20 से 25 वर्ष के बीच में होगी। हाँ दोस्तों, आपका एज 20 से 25 वर्ष के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा आप अगर एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं SC और ST के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी, वहीं OBC के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। इसके अलावा एज में जो छूट है वो आपके सामने प्रस्तुत है, जैसा कि विडो डाइवर्स वुमेन के लिए 35 वर्ष, वहीं विडो डाइवर्स वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड उनके लिए 40 वर्ष दी गई है। ऐसे ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया के लिए अलग अलग एज में उम्र में छूट दी जाएगी, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। जी हाँ दोस्तों, इस एग्ज़ाम में मैक्सिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो कि है आपके बैचलर डिग्री होना चाहिए। न्यूनतम आपको बैचलर डिग्री होना ही चाहिए, चाहे आप BA हों, BSc हों या फिर BCom हो। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप किए हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा भी जो भी क्राइटेरिया है आप सामने देख सकते हैं, जैसा कि हाँ इसमें बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है। आवेदन फीस की बात करें तो इस परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा जो भी छूट होगी वो आपको नोटिफिकेशन में दिखी जाएगी। अगर इस परीक्षा में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो जो कि एक बड़ी सूचना होती है, इसमें 2 पेपर होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग अलग ड्यूरेशन दिया जाएगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग अर्थात रीजनिंग की, जनरल नॉलेज मतलब GS, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब कि मैथ, और वहीं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्न 4 भागों में बटे होंगे, जो कि प्रत्येक भाग से 50 नंबर के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं आप देख सकते हैं सभी भागों में 50 क्वेश्चन और 50 नंबर दिए गए हैं। इन सभी का टोटल ड्यूरेशन केवल 2 घंटे का होगा। जी हाँ, टोटल 100 क्वेश्चन 2 घंटे के, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। वहीं अगर पेपर 2 की बात की जाए तो पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए 200 नंबर का होगा, जो कि मैक्सिमम 200 क्वेश्चन होंगे, और इसका टाइम आवर भी 2 घंटे का होगा, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसके लिए पेपर 1 में यहाँ पर सिलेबस आप देख ही पा रहे हैं। यह सिलेबस है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए, जिसमें इतना बड़ा लंबा चौड़ा आपके सामने प्रस्तुत है। आप स्क्रीनशॉट या देख सकते हैं, इसकी शॉट भी ले सकते हैं, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वहीं जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के लिए इतना लंबा चौड़ा
दिया ही गया है, जिसमें क्वेश्चन इन द कॉम्पिटेंट ऑन बिल एंड टेस्टिंग एंड द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल अराउंड हिम, जैसे हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च जैसे अनेक सब्जेक्ट शामिल किए जाएंगे। वहीं क्या क्वान्टिटी एप्टीट्यूड में मैथ में देखा जाए बहुत सारे चैप्टर हैं, जिसमें इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, स्क्वायर रूट्स, जैसे अरिथमेटिक, जैसे अलग अलग एलजेब्रा के पार्ट होंगे जो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। वहीं इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में स्टूडेंट को कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश हिज हर बेसिक कॉम्प्रहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी जैसे होंगे। वहीं पेपर टू में इंग्लिश लैंग्वेज की और उसका कॉम्प्रहेंशन दिया जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, वोकैबुलरी, टेंसेस, कंप्लीशन, प्रेजेंट, आइडियम्स, ये सब होंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। इस परीक्षा में हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अर्थात PST की बात करें तो कैंडिडेट में जो मेल कैंडिडेट होंगे उनका 170 सेंटीमीटर मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए, जो कि अगर चेस्ट की बात की जाए तो चेस्ट जो है बिना फुलाए आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अगर आप फुलाते हैं तो 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा, जो कि अर्थात 85 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। वहीं कैंडिडेट जो हिली एरिया, पहाड़ी एरिया के स्टूडेंट हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, क्योंकि वहाँ पे अपेक्षा औसतन और मैदानी इलाकों से लोग छोटे होते हैं, इसलिए इनकी जो लंबाई है थोड़ी सी कम कर दी गई है। इसमें भी अगर आप सीना सेम रखा गया है, अगर बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर आप सीना फुलाते हैं तो मैक्सिमम मिनिमम आपको 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। वहीं ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल अगर ट्राइब से हैं तो आपके लिए 162.5 सेंटीमीटर, वहीं सीने बिना फुलाए 77 और सीना फुलाए 82 सेंटीमीटर हों। वहीं फैमिली लड़कियों के लिए बात की जाए तो 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, और जो पहाड़ी इलाके हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर दिया गया है जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। वहीं जो शेड्यूल ट्राइब्स के हैं उनके लिए 164 सेंटीमीटर। अभी फिजिकल इंडोर टेस्ट PAT के बारे में बात करें, मतलब अगर रनिंग की बात की जाए तो इसमें मेल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 16 सेकेंड में 100 मीटर, 6.5 मिनट में 1600 मीटर, लॉन्ग जंप 3 चांस में आपको 3.65 मीटर, वहीं हाई जंप 3 चांस में 1.2 मीटर, और शॉर्ट पुटअप 16 LBS होगा 4.5 मीटर इन 3 चांस जैसा कि आप देख पा रहे हैं। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको सामने 18 सेकंड में 100 मीटर, वहीं 4 मिनट में 800 मीटर, लॉन्ग जंप में 3 चांस में आपको 2.7 मीटर, वहीं 3 चांस में आपको हाई जंप जो है 0.9 मीटर की हो गई जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे हैं। बात मेडिकल की जाए तो इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा जैसा कि आई साइट देखा जाएगा, इसके अलावा और भी सारे अन्य गतिविधियाँ की जाएंगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जंपिंग ओवर द वर्टिकल बोर्ड, होल्डिंग द रोप, टार्जन स्विंग, जंपिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल बोर्ड, पैरेलल रोप, मंकी क्रॉल, वर्टिकल रोप, ये सब चीज़ें आपको कराई जाएंगी। और कंटेनमेंट टैटू डिस्पेटिंग रिलीजियस सिंबल आर फिगर्स एट द नेम एज फॉलोड इंडियन आर्मी आर परमिटेड, इस समय ये अलाउ होगा। लोकेशन आपको टैटू मार्क ऑन ट्रेडिशनल साइट ऑफ द बॉडी लाइक, ये सब धार्मिक चीज़ें होंगे जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे हैं। और जैसे अन्य क्वालिफिकेशन हम आपको स्क्रॉल करते हैं, आप देख लीजिए जैसा कि यहाँ आप सामने देख ही पा रहे हैं। इसमें आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ID कार्ड इशू, ये सब आपके आइडेंटिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो ये रही SSC CPSI भर्ती 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। जी हाँ दोस्तों, ये इसका आवेदन 20 जुलाई से ऑनलाइन प्रारंभ हो जाएगा, अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही परीक्षा हो जाएगी, तो समय कम बचा है, तो जोर तोड़ से लग जाइए अपने भविष्य के लिए। हाँ, एक बात लास्ट में बताना चाहते हैं, इस वैकेंसी में 2000 से 3000 पदों के आने की संभावना है, जैसा कि आपको 20 जुलाई को पता चल ही जाएगा। तो
मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।